हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वरोशन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी हां, पिछला हफ्ता बहुत सारा वीडियो आया, उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। वैसे भी अब डेली वीडियो नहीं भी आ पाएगा, दो तीन दिन में आएगा, बट बढ़िया बढ़िया आएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्रिकेट से रिलेटेड, ओके। जिसमें से कुछ कुछ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। पहला ISPL 2024 यानी कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, ठीक है, इसका बारे में जानेंगे डिटेल में। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला। फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन बनाया। फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी किसने बनाया। रिचर्ड हेडली मेडल और भी बहुत सारा करंट अफेयर इसमें आपको मिल जाएगा विद बहुत सारा स्टैटिक जीके। आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लीजिए ISPL का लोगो, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। ये पहला एडिशन था 2024 में ही हुआ, 6 से लेकर 15 मार्च में। और ये कहां पर हुआ, ये सब मैच एक ही स्टेडियम में हुआ, दादोजी कोंडाटेव स्टेडियम थाने, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसका फॉर्मेट क्या था, ये T10 था यानी कि 10 ओवर का क्रिकेट था और टेनिस बॉल क्रिकेट था। हम लोग जो नॉर्मली देखते ड्यूज वगैरह वो नहीं था, ये टेनिस बॉल क्रिकेट था। और ये जो ISPL है इसका चीफ मेंटर बनाया गया था, जी हाँ, रवि शास्त्री जी को, जो कि BCCI में भी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं और इंडियन टीम से 1983 का वर्ल्ड कप में भी थे। अच्छा, इसमें चैंपियन कौन हुआ, पहला एडिशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पहला हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा है। चैंपियन होते टाइगर्स ऑफ कोलकाता, किसको हराया, माझी मुंबई को, ठीक है। टोटल 6 टीम था, 6 टीम का नाम देख लेते और 6 टीम का ओनर्स कौन कौन थे। श्रीनगर के वीर अक्षय कुमार, माझी मुंबई अमिताभ बच्चन, बैंगलोर स्ट्राइकर्स ऋतिक रोशन, फैलकॉन राइजर्स हैदराबाद रामचरण, जो की RRR मूवी में थे, चिरंजीवी का लड़का, जिनको चिरंजीवी को इस बार पद्म विभूषण भी मिला ना। अच्छा, पद्मश्री वाला जो एक वीडियो वो भी आने वाला है, आप लोग दिल थामे बैठे रहिए। टाइगर्स ऑफ कोलकाता सैफ अली खान और करीना कपूर, और चेन्नई सिंगम्स ये सूर्या, कौन सूर्या, वो जो एक मूवी था ना, आई एम अ वॉच मैकेनिक, ये सब मेरे लिए आम बात है, वही। अच्छा, अब देख लीजिए और कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर देख लेते हैं। यहाँ सचिन तेंदुलकर, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, कुछ दिन पहले 24 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था, उसमें एक मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक में भी डाल दूंगा। तो उनका एक स्टैचू अनवील किया गया वांकडे स्टेडियम में, एक्चुअली लास्ट ईयर ही किया गया, नवंबर का ये रिपोर्ट है, वो जो आपका हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना उसी टाइम इसको अनवील किया गया था। सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या ही बोलूं, उन्होंने 200 मैच खेला, टेस्ट मैच में 51 सेंचुरी किया है, 463 ODI में 49 सेंचुरी किया है, 2014 में इनको भारत रत्न भी मिलता है, यंगेस्ट रिसिपिएंट बनते हैं, प्लेइंग इट माई वे उनका ऑटोबायोग्राफी भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे डिटेल आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा। बड़ा ये जो स्टैच्यू अनवील किया गया, इसको जब करीब से देखा जा रहा है, सब बोल रहे जो भाई स्टीव स्मिथ का चेहरा बना दिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेटर है उसका चेहरा बना दिया, तो लेकिन भी बात भी हुआ था। अच्छा, अब रिसेंटली एक न्यूज आया था, कुछ मतलब 2-3 महीना पहले ही, सबसे ज्यादा T20 में सेंचुरी मारने वाला प्लेयर कौन बन गया था, रोहित शर्मा 5, ठीक है, उस टाइम ग्लेन मैक्सवेल का 4 था, ठीक है, तो ग्लेन मैक्सवेल भी एक मार दिया था, दोनों का भी 5-5 हो गया। तो रोहित शर्मा ने किसका अगेंस्ट किया था, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 121 किया था 69 गेंद में, और इसका यानी कि सूर्य कुमार यादव का 4 सेंचुरी है। और ये जो बच्चे को देख रहे हैं, इन्होंने, इनका नाम है तन्मय अग्रवाल, ये हैदराबाद से क्रिकेट खेलते हैं और इन्होंने फास्टेस्ट 300 मारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 147 बॉल में 300 रन मारा और टोटल 323 किया था 160 गेंद में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रांची के एक मैच में, इसको याद रखिएगा, एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह, आप तो नाम जानते ही होंगे, बहुत ही खतरनाक बॉलर इंडिया के, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, यॉर्कर बढ़िया मारते हैं, वो पहले इंडियन पेसर बने जिन्होंने ICC टेस्ट रैंकिंग में रैंक 1 किया। इससे पहले बहुत साल पहले कपिल देव रैंक 2 भी किए थे, जहीर खान रैंक 3 भी किए थे, बट ये पहले पेस बॉलर, ठीक है, फर्स्ट इंडियन पेसर है। स्पिनर तो बहुत सारा हुआ, अभी रिसेंटली अश्विन भी हुआ था, ये फरवरी का न्यूज है। अच्छा, अब नाम देख लेते हैं, पथुम निशंका, ये पहले श्रीलंकन प्लेयर बने जिन्होंने ODI में 200 रन स्कोर किया, अफगानिस्तान के खिलाफ किया था, ठीक है। अच्छा, ODI में 200 रन का इतिहास देख लेते हैं, सबसे पहले ODI में 200 रन किए थे, जी हाँ, सचिन तेंदुलकर नहीं, अगर क्रिकेटर कहा जाएगा तो बेलिंडा क्लार्क, जो कि एक वुमेन क्रिकेटर है, ठीक है, उन्होंने पहला डबल सेंचुरी किया था 1997 में, इतना साल पहले, 229 बनाया था डेनमार्क का खिलाफ, याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्रिकेटर। और फर्स्ट मेल क्रिकेटर या मेन क्रिकेटर बोला जाएगा तो सचिन तेंदुलकर 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और सबसे ज्यादा 200 मैंने डबल सेंचुरी किसका, जी हाँ, रोहित शर्मा, इनका 3 डबल सेंचुरी ODI में। और यंगेस्ट प्लेयर कम उम्र में सबसे मैंने 200 रन करने वाले कौन, शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ। और फास्टेस्ट 200 कौन बनाए थे, जी हमारे हिंदुस्तान के ईशान किशन 126 बॉल में बांग्लादेश के खिलाफ। ये सब अलग से याद रखिएगा, जैसे मैंने हमेशा कहा ना, डोसा होता है
प्लेन डोसा, मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा, वैसे ये सब सवाल भी है। और इंडिया से आज तक कितना प्लेयर ने किया, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और सुमन गिल, यानी कि 5 प्लेयर। अच्छा से इसको याद रखिएगा। अब आते हैं आर अश्विन। आर अश्विन सेकेंड इंडियन क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 500 विकेट लिया है। और पहले कौन थे? जी अनिल कुंबले। और किसके खिलाफ इन्होंने लेके ये 500 विकेट पूरा किया? अपना इंग्लैंड के खिलाफ। बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन, आपको मालूम है, अभी शायद कैप्टन नहीं है। और क्विकेस्ट मतलब सबसे कम टाइम में, कम इनिंग में 10,000 रन किया उन्होंने T20 में। इंटरनेशनल नहीं है, T20 सब मिला के IPL वगैरह, उन्हें उन लोग का जो होता है PSL, 271 इनिंग्स में, ठीक है। अच्छा फास्टेस्ट T20 सेंचुरी, T20 में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सेंचुरी कौन मारा? जैन निकोल लोफ्टी एटन, ये नमीबिया के प्लेयर है, एसोसिएट कंट्री है, ठीक है। 33 गेंद में उन्होंने मारा नेपाल के खिलाफ, और इससे पहले नेपाल का ही रिकॉर्ड था, नेपाल का कुशल मल्ला, 34 बॉल में उनका रिकॉर्ड था, उनका ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। और कुशल मल्ला जो स्कोर करते हैं वो मंगोलिया के खिलाफ करते हैं। अब मंगोलिया कैपिटल आपको मालूम है इलान बटोर, जो कि वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट कैपिटल है, ठीक है, कोल्डेस्ट कैपिटल है। सबनीम इस्माइल साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलर है, उन्होंने, महिला है, उन्होंने फास्टेस्ट डिलीवरी किया वुमेन्स क्रिकेट में 132.1 किलोमीटर पर आवर। मुंबई इंडियंस है ये, दिल्ली कैपिटल का अगेंस्ट में इन्होंने किया था। अभी जो रिसेंटली WPL हुआ था ना, उसका भी वीडियो है, मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। राचिन रविंद्रा बहुत बढ़िया प्लेयर है, जब मैंने इसको पहली बार देखा था तभी समझ गया था बहुत आगे जाएगा। इनको क्या मिला इस बार? सर रिचर्ड हेडली मेडल 2023 वाला, न्यूजीलैंड से दिया जाता है। रिचर्ड हेडली जो थे बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर थे, और उस टाइम धर लीजिए यान बॉथम, रिचर्ड हेडली, ये लोग सब बहुत बढ़िया ऑलराउंडर थे, इमरान खान, कपिल देव, ओके। तो रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड से थे। राचिन रविंद्रा के जो पिताजी थे ना, वो इंडियन क्रिकेट को बहुत फॉलो करते थे, एक्चुअली ये भी इंडियन डिसेंडेंट है। तो इनका दो फेमस प्लेयर था, एक राहुल द्रविड और एक सचिन तेंदुलकर, तो इसीलिए अपने लड़का का नाम उन्होंने रख दिया राचिन, और रविंद्र भी रख दिया, समझ में आपको। अब आता है रणजी ट्रॉफी के बारे में बात कर लिए। 2023-24 का जो रणजी ट्रॉफी मुंबई जीतता है विदर्भ को हरा के 169 रन से, और ये मुंबई का 42nd टाइटल है, यानी 42 नंबर का टाइटल, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा इतना सालों में। अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे। 2022-23 यानी कि पिछला साल का कौन जीता था? सौराष्ट्र जीता था बंगाल को हरा के, जी हाँ, हमारा प्यारा बंगाल फरक है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 12,000 रन स्कोर किया T20 में, क्रॉस किया, विराट कोहली, चेन्नई सुपर किंग्स का साथ IPL का खेल हुआ था उसी में इन्होंने क्रॉस किया। और इससे पहले 12,000 से या उससे ज्यादा रन 5 प्लेयर का ऐसे, क्रिस गेल, शोएब मलिक, किरण पोलार्ड, एलेक्स हेल्स और डेविड वॉर्नर, ठीक है। अच्छा डे नाइट वुमेन एशेज सीरीज होने वाला है, ये पहला होगा MCG ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। एशेज मालूम है आपको, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का खेल होता है जो कि पूरा वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा पहला बांग्लादेशी अंपायर बने जो कि ICC हॉल ऑफ मनी इंडक्टेड किया जाए एलिट पैनल में, ये लोग ICC का मैच वगैरह कराता है, पहला बांग्लादेशी बने। इनका नाम है शरफतुल्ला इब्ने शहीद, ठीक है, मैंने इसका पिताजी का नाम शहीद होगा। और फर्स्ट विकेट कीपर जिन्होंने 300 डिसमिसल किया T20 में, MS धोनी, जी हाँ, IPL वगैरह सब मिला के। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस बार बनाया गया मेंस में पैट कमिंस को, और वुमेन्स में मिला है नैट शीवर ब्रंट, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये महिला है, ठीक है। और लीडिंग T20 क्रिकेटर किसको बनाया गया? हेली मैथ्यूज। और विजडन ट्रॉफी मिला इस बार किसको? ट्रेविस हेड, जी हाँ, वही ट्रेविस हेड जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ फाइनल में स्कोर किया था, बटा उनको मिलाया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ था पिछला साल, 163 किया था इंडिया के खिलाफ, वो भी फाइनल में ही, यानी कि ट्रेविस हेड इंडिया को पिछला साल का दो महीना के अंदर ही एक तो टेस्ट चैंपियनशिप भी हराया और वर्ल्ड कप भी हराया, इसका तो हेडी फोड़ देना चाहिए। ये जो विजडन है ना, ये विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनक है जिनको बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, ये एक एक्चुअली रेफरेंस बुक है, यूनाइटेड किंगडम से ये पब्लिश होता है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा राचिन रविंद्र के बारे में एक चीज बताना भूल गया, पिछला 2023 का जो ICC अवार्ड था उसमें वो इमर्जिंग क्रिकेटर भी बनते हैं, ठीक है। ICC का भी अवार्ड के बारे में डिटेल, उसको भी जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैं लिंक में भी डाल दूंगा। रोहित शर्मा इस बार क्या बने? पहले इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने 500 से ज्यादा T20 सिक्सेस मारा, सबसे ज्यादा किसका है? जहां यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का है, 1056। अच्छा नेपाल के एक प्लेयर है जिनका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी, इन्होंने 6 बॉल में 6 छक्का मारा T20 नेशनल में, सबसे पहले किसने मारा था? जी हाँ, हमारे फेवरेट युवराज सिंह, स्टुअर्ट ब्रॉड को मारता है 2007 का T20, पहला जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसमें। और सेकंड किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, उनका हाथ जो है ना एकदम बड़ा बड़ा पराड़ा खतरे। T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर किसको बनाया गया? उजैन बोल्ट, जी हाँ, उजैन बोल्ट जो कि स्प्रिंटर है, बहुत तेज भागते हैं, और इन्होंने ओलंपिक में 8 गोल्ड जीता हुआ है, और ये जमैका से है, और जमैका कैपिटल किंगस्टन है, आपको पता होना चाहिए।
अच्छा अभी T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है इस बार कहाँ होने वाला है 2024 का, अभी मैंने आपको कहा ये यूएस में होने वाला है और वेस्ट इंडीज में होने वाला है, ठीक है। और ये 9th एडिशन है, अच्छा से याद रखिएगा। और पिछला एडिशन जो था 8th एडिशन 2022 में जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कौन जीता था, इंग्लैंड जीता था, पाकिस्तान को हरा के। ओके क्लियर हो गया। अच्छा ये जो अभी 2024 का T20 होने वाला है इससे बहुत सारा खबर आएगा, तो हम लोग इकट्ठा करके एक ही बार में जब खेला खत्म हो जाएगा तब हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा एक दो देख लेते हैं, हेड कोच किसको बनाया गया उगांडा का, जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाला है, अभय शर्मा जी की, ये इंडियन मूल से इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। धर्मशाला को पहला, मतलब धर्मशाला टू गेट इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड पिच। हाइब्रिड पिच क्या होता है, जिसमें 90-95% ग्रास होता है नेचुरल ग्रास और 5% पॉलीमर रहेगा, इसको मिला के हाइब्रिड पिच बनाया गया। आईसीसी इसको मंजूरी दे दिया है, इंग्लैंड वगैरह में अभी भी चल रहा है, यानी कि बाहर से बन के आएगा, यहाँ पर पूरा सेटल कर दिया जाएगा और बढ़िया से यहाँ पर खेल होगा। ओके अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, टेक केयर।